दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा अपने घर के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी विदेश यात्रा की जानकारी को जनता के सामने साझा करें। दोपहर को उनके साथ हाथापाई भी हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे कपिल मिश्रा अब उन्हीं के स्टाइल में उन्हें जवाब देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुधवार की सुबह 9 बजे के करीब कपिल मिश्रा अपने घर से बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए और आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनकी विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। मेरी जानकारी में हमारी पार्टी के पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं था। संजय सिंह जी ने कहा कि दुनिया के सारे नेता विदेश दौरों पे जाते हैं, लेकिन हमें बार बार, हर कार्यकर्ता को बार बार ये कहा गया कि हमारी पार्टी के पास तो चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, तो ये विदेशी दौरों का पैसा कहाँ से आ रहा है। ये भी कहा गया कि जो हम सब जानते हैं एक दूसरे को, हम में से किसी का खुद का इनकम इतना नहीं है कि हम विदेशों में जाने के लायक खर्चा कर सकें, तो इस पैसे का स्रोत क्या है, ये जानकारी मैंने पूछी है। कपिल मिश्रा के अनशन के मुद्दे वही हैं जिसको लेकर वो मंगलवार को सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे। वो केजरीवाल के खिलाफ हर उस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें केजरीवाल को महारत हासिल है। हालांकि इन सब के बीच उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। केजरीवाल और कपिल मिश्रा की ये लड़ाई अब कहां तक जाएगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कपिल के इस अन्नावाण से केजरीवाल की मुश्किलें आगे और भी बढ़ सकती हैं। अनमोल कुमार, दीपक, गो न्यूज़।